हरिद्वार के खन्ना नगर गोलीकांड का मुख्य आरोपी विष्णु अरोड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विष्णु अरोड़ा को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसे घुमाते हुए घटनास्थल पर ले गई, जहां उसे सवाल जवाब किए गए। वहीं एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर खन्ना नगर में हुई घटना के मुख्य आरोपी विष्णु अरोड़ा को ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। विष्णु अरोड़ा दो अलग अलग मामलों में नामजद था, जिसके ऊपर खन्ना नगर घटनाक्रम में 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित था और उसके खिलाफ NBW भी जारी किए गए थे। साथ ही एसपी ने बताया कि खन्ना नगर में हुई घटना के अन्य फरार आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और देर रात गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी विष्णु अरोड़ा को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। खन्ना नगर में एक गोलीकांड हुआ था जिसमें 307 में FIR दर्ज हुई थी और उसके लिए हमारी पुलिस टीम बनाई गई थी जो लगातार दबिश दे रही थी। 5 आरोपियों के खिलाफ इनाम भी घोषित किया गया था, उनका NBW भी लिया गया था। पुलिस जो दबिश दे रही थी उसमें सफलता मिली। सेक्टर 2 से आज रात्रि को जो आरोपी है विष्णु अरोड़ा उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और फिर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। और आरोपी कब तक पकड़े जाएंगे सर? देखिए, पुलिस लगातार दबिश दे रही है, अन्य आरोपी भी जल्दी ही पकड़ में आएंगे। दरअसल 6 अगस्त को हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के खन्ना नगर में भाजपा से संबंध रखने वाले युवाओं के दो गुटों में झगड़ा होने के बाद एक गुट द्वारा दूसरे गुट के युवक के घर पर हमला किया गया था, जिसमें पुलिस ने 16 लोगों को नामजद किया था, जिसमें पुलिस द्वारा फरार आरोपियों पर 10,000 का इनाम घोषित करने के साथ ही NBW जारी कर दिए गए थे, जिसमें पुलिस ने देर रात मुखबिर की सूचना पर मुख्य आरोपी विष्णु अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट।